हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग बोरो प्लस को तो जानते ही होंगे, हर कोई जानता है। गांवों में, शहरों में, छोटे घरों में, बड़े घरों में, हर जगह आपको बोरो प्लस मिल जाएगा, चाहे वो ठंडी हो, गर्मी हो या बरसात हो। तो आज मैं बोरो प्लस का जो बहुत बढ़िया वाला यूज़ है वो मैं आपको बताऊँगी। देखिए, बोरो प्लस जो है ना, वो जो भी आपकी फटी एड़ियां हैं उसको ठीक करता है। अगर आपके फटे हुए लिप्स हैं या फिर आपका स्किन ड्राई हो रहा है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको चोट लग गई है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ बोरो प्लस पील ऑफ 10 रुपीज़ का है ये। वैसे आपको ये 5 रुपये में भी मिल जाएगा। पिछले साल भी मैं आप लोगों को इसकी वीडियो दी थी, इस साल ये न्यू है। मतलब कहने का मतलब ये मेरे पास इस बार पहली बार ये आया है तो सोची इसकी भी वीडियो बना लूँ। आयुर्वेदिक है, एंटीसेप्टिक क्रीम है ये, ठीक है। अगर आपको चोट लगी है, कहीं कट छट गया है तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको लिखा फॉर फेस, हैंड और बॉडी, कहीं पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फेस पे लगा सकते हैं, अगर स्किन आपका ड्राई हो गया है तो पूरे फेस में भी लगा सकते हैं, हैंड में भी लगा सकते हो और पूरे बॉडी में भी लगा सकते हैं आप। ये बहुत ही कम क्वांटिटी में है, आप चाहे तो बहुत बड़ा वाला भी ले सकते हैं। ब्रांड अम्बेसडर आप देख ही सकते हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं, कभी कभी कंगना रनावत भी आ जाती हैं, ठीक है। नो पाराबिन्स, और साथ में ये न्यू लॉन्च है। और इधर दिखाती हूँ मैं, 7/2021 में बना है और 6/2023 में ये एक्सपायर हो जाएगा। तो ये बोरो प्लस आपका काम आएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरा अभी ना कट गया है यहाँ पे हाथ, देखिए। तो यहाँ पर भी मैं लगा लूँगी तो ये बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। स्किन मेरी अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई, देखिए ठंड का दिन है, स्किन इस तरह से देखिए फट जाता है, तो बहुत लोगों का ऐसा होता है, बहुत लोग समझते नहीं है कि आखिर क्या लगाया जाए। तो आप बोरो प्लस लगाइए, बहुत जल्दी ठीक होगा। ऑयल भी आप लगा सकते हो, लेकिन ऑयल से जल्दी आप ये लगाओगे तो ये एंटीसेप्टिक है, बहुत जल्दी ठीक करेगा। देखिए अभी सुबह का टाइम है तो मेरा स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया और ठंड का भी महीना है, देखिए। उसके अलावे अगर आपकी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फट गई है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, मेरी एड़ियाँ ना बहुत ही ज़्यादा फट गई है, बहुत ज़्यादा क्रेक हो गई है। छठ पूजा में मैं नंगे पैर 3 दिन नदी घाट पे गई थी, आई थी, जिसकी वजह से मेरे पैर काफ़ी ज़्यादा फट गए हैं। तो उसमें मैं आपको लगा कर दिखाऊँगी। तो जब भी मेरी एड़ियाँ फट जाती ना तो उसमें मैं लगाती हूँ। यहाँ पर कि आप देखिए, जो हैंड्स में क्यूटिकल्स होते हैं, जो क्यूटिकल्स होते हैं हैंड में इस तरह से निकले होते हैं, वहाँ पर भी आप चाहो तो लगा सकते हो। ये जो किनारे किनारे ऐसे चमड़ी निकल जाती है, बहुत लोगों की निकल जाती है, मेरे तो भी है नहीं, तो भी आप लगा सकते हो, ठीक हो जाएंगे। तो चलिए इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि पैरों में कैसे लगाना है। अभी मैं आपको दूसरे तरफ से भी अपने पैर दिखा दे रही हूँ। देखिए, छठ पूजा होता है, पैरों में आलता लगाया जाता है। वैसे तो मैं कंटिन्यू आपको हर संडे आलता की वीडियो देती हूँ तो आलता लगाती हूँ, लेकिन मेरे पैर इतना फटते ही नहीं है। लेकिन छठ पूजा है, ठंडा का दिन है, नंगे पैर चलना है, नहाए खाए था, फिर छठ का दूसरा दिन हो गया जो कि खरना होता है, फिर तीसरा दिन हो गया जो कि अर्घ का होता है, चौथा दिन हो गया, तो ऐसे में नंगे पैर ही कहीं भी जाना है, आना है तो नंगे पैर ही है जाना आना, चप्पल तो पहनना नहीं है, स्लीपर, आलता भी लगाना है, धूल है, मिट्टी है, पत्थर है, वैसे ही चलते जाना है, तो ऐसे में पैर तो डैमेज होते ही हैं। और देखिए, अगर मैं तो छठ पूजा में गई इसलिए मेरा हो गया, लेकिन बहुत लोगों का नॉर्मली भी जैसे ही ठंड आती है ना वैसे ही एड़ियाँ वगैरह फटना शुरू हो जाती है। तो आप लोग एक काम कर सकते हो, आप लोग हमेशा रात को सोने वक्त ये बोरो प्लस आप लगा लीजिए, एड़ियाँ फटना बंद हो जाएगी। मैं इस तरह की आपको और भी 2-3 वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको पेडिक्योर करके उसके बाद कंटिन्यू बोरो प्लस लगाने की सलाह देती हूँ। लेकिन देखिए, पेडिक्योर हर कोई नहीं कर सकता है। वैसे मैं घर पे कैसे पेडिक्योर करें उसकी भी जानकारी दी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे काफ़ी सारी, लेकिन फिर भी अगर आप पेडिक्योर नहीं करना जानती हैं, नहीं करना चाहती हैं, पार्लर में उतना पैसे नहीं वेस्ट करना चाहती, कुछ नहीं करना है आपको, रोज़ आपको बस बोरो प्लस लगाना है अपने पैरों में और सॉक्स पहन करके सो जाना है। नेक्स्ट डे आप सॉक्स हटा लो, अपने काम करते रहो। इस तरह से आप बोरो प्लस का, अगर आप 5 रुपये वाला या 10 रुपये वाला भी अगर आप ट्यूब लेते हो, पाउच लेते हो, तो आपकी एड़ियाँ बहुत ही जल्दी ठीक होती है। जो आपकी स्किन ड्राई है, पैरों में भी स्किन होता है ना तो ड्राई हो जाता है, वो भी आपका धीरे धीरे ठीक होने लगता है। मेरे यूट्यूब पे आपको, मतलब मेरे यूट्यूब चैनल पे ना आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे फीट से जुड़ा हुआ कि अपने पैरों का ख्याल कैसे रखें। बहुत से लोग बोलेंगे कि मैम आपकी एड़ियाँ फट गई है,
रीज़न तो मैं बता ही दी, और इसको ठीक होने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि जो मेरे चैनल पे ना काफ़ी समय से है मेरे जो सब्सक्राइबर, उन लोगों को पता है कि जब भी मैं गांव जाती हूँ, या जैसे कि छठ की थी पिछले साल भी, तो यही हाल मेरा हुआ था, और इस साल भी मैं छठ करी हूँ। पिछले साल तो मायके में की थी, इस बार ससुराल में की, तो मेरे पैर ऐसे ही फट जाते हैं। तो मैं एक बार पेडिक्योर करती हूँ, एक या दो बार, और उसके बाद फिर कंटिन्यू मैं बोरो प्लस लगाती हूँ। उसके बाद मेरे पैर जो है ना बहुत अच्छा सॉफ्ट हो जाता है, एड़ियाँ जो है वो भर जाती हैं, तो धीरे धीरे मेरी भी एड़ियाँ भर जाएगी, और फिर मैं आपको दिखाती भी हूँ कि मेरी एड़ियों में क्या सुधार हो रहा है। तो फिलहाल अभी मेरे पास ना आप लोगों के लिए आल्ता की दो डिज़ाइन अभी भी बाकी हैं, जो आप लोग को मैं शेयर करूँगी छठ वाली संडे संडे को। तो तब तक मैं अपने पैरों में, यानी कि 2 हफ्ते तक अपने पैरों में आल्ता नहीं लगाऊंगी, छठ वाली ही वीडियो आप लोग देखोगे, और तब तक मेरी एड़ियों में काफ़ी सुधार भी हो जाएगा। जल्द ही मैं आप लोगों के साथ एक पेडिक्योर की वीडियो भी शेयर करूंगी, बहुत ही आसान तरीके का। और या तो आप कहोगे तो मैं आपको पार्लर में जैसे होता ना वैसे भी मैं आपको करके बताऊंगी, लाइक पार्लर में जैसे होता है वैसे ही आप घर पे कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल पे बने रहना पड़ेगा। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, या आप देखते हैं मेरा वीडियो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ हाथ और पैर पड़ती हूँ आपके, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि किसी और को भी इस वीडियो से लाभ हो सके। क्योंकि ठंड आ गया है, बहुत ही भयानक वाला ठंड, आने से पहले जागरूक हो जाए अपने पैरों के लिए। मुझे ये भी कमेंट आ रहा था कि मैम आप सॉक्स चेंज करिए, तो देखिए सॉक्स मैं अब जल्द ही चेंज करने वाली हूँ, लेकिन फिलहाल सोचती हूँ ना कि मेरे पैर अभी इतने ज़्यादा डैमेज हैं कि अगर मैं नया सॉक्स अगर मैं पहनना शुरू करती हूँ ना, तो वो सॉक्स जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। कहने का मतलब उसमें ऐसे जैसे रगड़ आ जाती है, कोई भी देखिए फटी एड़ियाँ रहती हैं ना, अगर आप कोई भी सॉक्स पहनते हो तो सॉक्स भी अंदर से डैमेज होते हैं। तो बस इसीलिए ये सॉक्स मैं गर्मियों में भी पहन रही थी, आप लोग को पता ही है, क्योंकि मैं अपना पैर का हमेशा ख्याल रखती हूँ ताकि वो गंदा ना हो, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के लिए पैर की वीडियो लेकर आते रहती हूँ। अगर पैर खुले रहेंगे तो गंदे होते रहेंगे, तो होता है कि पैर डैमेज होते हैं, तो अपने पैरों का ख्याल रखना हमारी खुद की जिम्मेदारी होती है ना। तो मैं गर्मियों में भी सॉक्स पहना करती थी, इसलिए ये थोड़ा सा ओल्ड होते जा रहा है सॉक्स। इसके साथ मैंने रेड कलर की एक सॉक्स ली थी, तो उसको मैं कंटिन्यू पहन कर तो अभी नहीं दिखाऊंगी, लेकिन जल्द ही दिखाऊंगी, वो भी नई है, वन टाइम पहनकर आप लोग के साथ वीडियो शेयर की थी पिछले साल ठंड में। ये वाली मैंने सॉक्स ना 50 रुपये में एक ली थी, और वो भी दुकान में ली थी मैं, जब मैं आप लोगों के साथ शेयर भी की थी एक वीडियो जिसमें मैं नया सैंडल ली थी। तो अभी देखिए बहुत सारा मेरा नया सैंडल, नया सॉक्स पड़ा हुआ है। एक कमेंट भी आया था कि मैम आप अपनी जो भी सॉक्स है ना वो आप दिखाइए, तो जल्दी वीडियो आएगी, बस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, घंटी भी दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आती रहे। थैंक यू।